महाराजगंज से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा पहल के तहत सफाई एवं पौधारोपण किया है और स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत अभियान में हिस्सा लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां पर स्वच्छता और हरित भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को ये आगे बढ़ाया जा रहा है और उस प्रयास में हिस्सा लेते हुए भी नजर आए। 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये आयोजन चल रहा है। आपको बताया, केंद्रीय मंत्री ने राम जानकी मंदिर परिसर में साफ सफाई को लेकर भी हिदायत दी है और केंद्र मंत्री के द्वारा विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण भी किया गया है। यानी कि पौधारोपण के साथ साथ साफ सफाई पर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्र मंत्री के द्वारा वहां पर विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। केंद्र मंत्री ने राम जानकी मंदिर परिसर में साफ सफाई की और वहां पर लोगों को 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रहे इस आयोजन में भाग भी लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर केंद्र वित्त राज्य मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा पहल के तहत सफाई और पौधारोपण किया।